नमस्ते एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले योगा फॉर लोअर बैक पेन रिलैक्सेशन। दिस इज द रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर माय रियल वन सिस्टर्स, सो यू ट्राई दिस प्रैक्टिस रेगुलर। ओके, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस को डेली करनी है और बहुत ही इजी और सिंपल योगासनस मैंने आप सभी के लिए डिजाइन की है, जिसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं तो आपके लोअर बैक पेन की इश्यूज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए, कौन कौन से ऐसे आसनस आपको करने हैं आप वो चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आप डेली बटरफ्लाई करेंगे, बिकॉज आपको लोअर बैक पेन होती है तो आपका स्पाइन एंड हिप बोन एंड जो जॉइंट्स होती है हमारी, स्पैचुला की जो जॉइंट्स होती है वो ओपन अप होनी बहुत लोअर बैक पेन की इश्यू रहती है, या फिर ज्यादा काम करने की वजह से भी आपको लोअर में बैक पेन होता है। तो चलिए, कैसे इसे करना है ये चेक कर लेते हैं। और ये मैक्सिमम फीमेल्स को होती है पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ज्यादा काम कर लेने की वजह से। सो तीन ऐसे आसनस मैं बताऊंगी जो आपके लोअर बैक पेन की इश्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला आसन है आपका बटरफ्लाई। तो सबसे पहले आपको अपने लेग्स को इस तरीके से क्लोज करना है, धीरे से सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम इस तरीके से अपने लेग्स एंड हिप की थोड़ी सी ओपनिंग करेंगे, क्योंकि लोअर बैक पेन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिससे हमारा हिप जॉइंट्स भी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपका हिप जॉइंट स्टिफ रहता है तब भी आपको लोअर बैक पेन होती है, और कमर में दर्द हो रही है तो आप स्पाइन को कैसे भूलेंगे, जिससे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए हम धीरे धीरे इस तरीके से अपने स्पाइन पे प्रेशर लेते हुए ऑक्सीजन को भरना है। तो गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। से एक बार गहरी लंबी सांस लें ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को सपोर्ट करते हुए इन्वर्शन पोजीशन में अपने आप को इस तरीके से होल्ड कर लें, इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और धीरे से फिर हम कोबरा व्यंजन को बिल्कुल हल्के बॉडी पार्ट कंफर्टेबल एंड ट्राई दिस प्रैक्टिस। नमस्ते।